अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है नशरा की दुनिया में। तो ये ब्लॉग स्टार्ट होता है सैटरडे से। सैटरडे में हम जब घर पर जा रहे थे तो रास्ते में हमने रुक गए थे नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि आज मेरा दिल हो रहा था मैं जाऊँ मेरी मोटी के पास, मिस नशर बिनिश के पास। ऑफिस से डायरेक्ट मैं बिनिश के घर जाने वाली थी, तो मैंने थोड़ा सा स्नैक्स लिया। आयजा और मैंने, हम साथ में जा रहे थे। फिर उसके बाद हम भी वहाँ पर पहुँच गए अम्मी के घर। अम्मी का घर, पुराने घर की आदत हो गई ना, ये घर एकदम अलग सा ही लगता है, कि ऐसा लगता है कि हम कहाँ चले गए हैं। हमारा अरफात की बात नहीं आती। तो फिर मैं यहाँ से ऊपर चली गई बिनिश से मिलने के लिए। बहुत दिन हुआ था बिनिश से मिली नहीं थी, तो मैंने बोला चलो बिनिश से मिलते हैं और बिनिश के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर घर चले जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। ये है अम्मी का नया वाला घर। आप लोग सबने ब्लॉग, पुराना ब्लॉग बहुत अच्छे से देखा और बहुत सराहा भी उसे। इसे भी आप लोग प्लीज़ पसंद करना। तो मैंने बोला था ना मैं मोटी के घर जा रही हूँ, मोटी। तो मैं अम्मी के घर गई थी, मैंने लिया था सैंडविच और बच्चों के लिए लिया था चाइनीज़ भजिए। और हम लोग सब नाश्ता करने लगे, बच्चे, हम लोग सब थोड़ा सा स्नैक्स खाए। और उसके बाद फिर देखो मेरी भांजी है ना, देखो उसका सेटअप देखो, ब्लॉगिंग करने का सेटअप देखो, नस 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 में ब्लॉगिंग बज भज रही है, तो वीडियो बना रही है वो, वैसा देखो मटकना देखो उसका। वीडियो में से डांस कर रही है देख के और वीडियो भी शूट कर रही है। फिर संडे मॉर्निंग हो गई, संडे की सुबह देर से हुई थी। हम लोग ज़रा आराम से उठे, थोड़ा सा रिलैक्स नहीं, एकदम आराम आराम से। फिर उठने के बाद तुरंत मैं लंच बनाने के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि नाश्ता तो देर से हुआ था। ये नशरा हनी का फ्रॉक पहन के अपने आप को बहुत हीरोइन समझ रही थी, माशाल्लाह से उस पर अच्छा भी लग रहा था। तो मॉर्निंग में संडे के दिन सुबह सुबह उठ के पहले रहे ना, मैंने आयना का ड्रेस पहना, आयना का ड्रेस पहना, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा शूट ले लिया। मस्त लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मम्मी हील्स देखो उसके, मम्मी पापा आए हैं, सैटरडे नाइट ही आ गए थे वो लोग। तो फिर अब ये डिनर की तैयारी, संडे का दिन पूरा दिन खाना पकाने में जाता है, पकाओ खाओ और रेस्ट करो। तो दोपहर में तो मैंने अंडा कढ़ी बना लिया था, फिर शाम को बनाया मैंने दाल गोश विथ ज़ीरा राइस। तो ये डिनर की तैयारी हो रही है, डिनर बन गया, डायरेक्टली मैंने शूट लिया खाना खाने के टाइम पर। बहुत टेस्टी बना था मेरा दाल गोश गाइस, आप लोगों को रेसिपी चाहिए रहेगी तो बताना। फिर क्या था, फिर उसके बाद तो हमने डिनर किया मज़े से, बहुत टेस्टी बना था। फिर मंडे मॉर्निंग हो गई, फिर हम बैक टू द वर्क पहुंच गए, काम पर चले गए अपने अपने सब ऑफिस में। मजाश आया, हम सब मिलके काम करने लगे। ऑफिस वर्क चालू हो गया, फिर उसके बाद और कुछ नहीं किया, थोड़ा काम किया, थोड़ा टाइम पास किया, थोड़ा काम किया, थोड़ा टाइम पास किया, और क्या। पर ये आयजा, फिर ऑफिस के बाद शायना को जाना था ग्रोसरी लाने, तो फिर हम चले गए ग्रोसरी ख़रीदने। मींस हम चले गए थोड़ा सा बाज़ार करते हैं। अम्मी का फ़ोन आ चुका था कि आते आते स्टार मॉल ज़रूर जाना, तो हम, मैं और शाइना आ गए स्टार मॉल। स्टार मॉल से थोड़ी बहुत शॉपिंग की, मुझे लगा अम्मी लोग ब्रिटानिया खाते हैं, पर शाइना बोली नहीं हम लोग शुगर फ्री खाते हैं। तो चलिए गाइस, इसके साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ना। आज संडे का दिन है और प्रॉमिस किया था हर संडे एक ब्लॉग डाल।
मैं खड़ी हो गई बिलिंग के लिए, पर ये अंकल इतने सुस्त थे ना, इतने सुस्त थे, मेरे को आधा घंटा खड़े रखने के बाद भी उन्होंने मेरा नंबर आने नहीं दिया। तो मैंने अपनी गाड़ी आगे की और वो अभी भी अपनी कश्मकश में बिजी है वो अंकल। मैंने आगे गाड़ी की और प्रोसेस किया, बिलिंग की और अपने घर पहुंच गई। तो गाइस इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे जल्दी, मंडे या ट्यूसडे, रमज़ान तैयारी ब्लॉग्स के साथ। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।